हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अकेडमिक चैनल नीट यूजी 10 पे। इस चैनल की खासियत यह है कि विद इन 10 मिनट्स में आपको टॉपिक बताऊंगा, इवन न्यूमेरिकल के थ्रू आपको कंसेप्ट सारा क्लियर करूँगा। बच्चों, मेरा नाम आदित्य कुमार है, मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने करियर पॉइंट कोटा पढ़ाया, आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ाया। अब मैं अकेडमी में फिजिक्स का एजुकेट हूँ। बच्चों, अनअकेडमी में आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है, गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अनअकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है गूगल प्ले स्टोर से, गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक कीजिएगा। इसके फीचर्स देखते हैं तो डेली लाइव क्लासेस होते हैं, यहाँ कमेंट सेक्शन में जाके आप डाउट पूछ सकते हो, टीचर आपको इंस्टेंट बताएगा। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन के माध्यम से टॉपिक और अच्छे से सिखाया जाएगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस है, कोर्सेस आपका सिलसिलेवार ढंग से होगा। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है 12 या 24 मंथ्स का, अब जितने भी प्लस के टीचर आप सबका एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे देखते हैं एक मंथ का चार्ज है आपको 6000 था, ये 10% का डिस्काउंट मिला है ना सब में कम। मेरा रेफरल कोड आदित्य यूज कीजिएगा तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। देखिए, एक मंथ का पर मंथ चार्ज है 5000, फोर मंथ थ्री मंथ का लीजिएगा तो 4500, 6 का लीजिएगा तो 3600, 12 का लीजिएगा 2250, पर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, और 24 के लीजिए तो 1350। तो आपने ये देखा कि आपका जो है सबसे ये और ये सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है। अभी सबसे बेस्ट 12 और 24 मंथ्स का। मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, किसी भी तरह के कोर्सेज में जेई मेंस नीट सब में ये रेफरल कोड काम आएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे टॉपिक शुरू कर रहे हैं, फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए सिलेंड्रिकल पाइप। क्या देखिएगा बच्चों, एक ये सिलेंड्रिकल पाइप लिया मैंने, ठीक है। इसका लेंथ है L, इसका एक एंड पे प्रेशर P1, दूसरे एंड पे प्रेशर क्या है P2। अच्छा, यहाँ से मान लीजिए लिक्विड फ्लो हो रहा है, स्टेडी फ्लो, यहाँ विस्कोस वॉल लेते हैं, स्पीड कम, सबसे ज़्यादा कहाँ पे, एक्सिस पे। इसका डायमीटर मान लेते हैं, सॉरी रेडियस सिलेंड्रिकल पाइप का क्या। अच्छा, यहाँ एक्सिस से ये मान लीजिए इस तरह से फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये हम इस पॉइंट से एक सेक्शन आर मान लेते हैं, लेंथ है आर, जिसका वेरिएशन होता है ना इस तरह से स्पीड का, ये आर मान लिया। तो यहाँ जो वी होगी होगी आपकी क्या, P1 चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाई 4 eta L आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन, ठीक है। यहाँ वी क्या है, वेलोसिटी होता है, तो वी मैक्सिमम कहाँ पे होगी, ये एक्सिस पे, यहाँ पे ना। ये कब होगा, जब आर है जो जीरो हो जाए, तो आर इक्वल टू जीरो मतलब कहाँ पे, एक्सिस पे होगा ये, तो एक्सिस पे होगा तो वी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वी मैक्स हो जाएगा आपका P1 माइनस P2 डिवाइड बाई क्या, 4 eta L आर स्क्वायर। ये डन हो गया वी मैक्स। चलिए वी मिनिमम देखिए, तो वी मिनिमम हो गया आपका एट वॉल, एट कहाँ पे, वॉल्स पे। ये कब होगा, जब आर इक्वल टू कैपिटल आर ना। देखिए ध्यान से इसको, ये जो आर है आप यहाँ बढ़ते बढ़ते कहाँ पे आ गए, यहाँ तक, तो ये आर ही तो है, ये आर वॉल्स पे, यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी हो जाएगा। बताइए तो फॉर्मूला लिखेंगे P1 माइनस P2, ये क्या लिखेंगे, 4 eta L कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर, देखो ये रख देंगे तो जीरो नहीं आ जाएगा, तो वी मिनिमम कितना, जीरो। चलिए दूसरा कंसेप्ट है बच्चों, रेट ऑफ फ्लो मतलब अमाउंट, वी ऑफ dV बाई dt निकाल रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं वी क्या है, यहाँ वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ फ्लो जो फ्लो हो रहा है स्टेडी फ्लो में। तो ये हम लिखते हैं बच्चों dV बाई dt लिखेंगे, टाइट का फॉर्मूला बता रहा हूँ, π/8 आर का पावर 4 ईटा P1 माइनस P2 बाई L। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना, ये क्या है, आर रेडियस ऑफ पाइप, ईटा क्या है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, P1 माइनस P2 क्या है एंड का प्रेशर डिफरेंस, L क्या लेंथ ऑफ पाइप, ये होता है पॉइजले इक्वेशन। ये इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पॉइजले इक्वेशन, इसको बोलते हैं पॉइजले इक्वेशन, ध्यान रखिएगा इसको क्या बोलेंगे, पॉइजले इक्वेशन। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, ये विस्कोसिटी का क्वेश्चन देखिएगा, प्लेट ऑफ लेंथ है एरिया 2 मीटर पर सेकेंड, चलिए एरिया दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विथ ए स्पीड, स्पीड दे रखा है वी कितना, चलिए वी दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चलिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड, लेंथ दे रखा है वाई वाला, वाई कितना है 1 मीटर। बताइए तो वेलोसिटी के रिलेटेड क्या हो जाएगा, dV बाई dy
टू बाई वन इक्वल टू टू, क्योंकि एफ होता है आपको माइनस ईटा ए डी वी बाई डी वाई, है ना। अच्छा अब चलिए यहाँ बच्चों ईटा कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी दे रखा है 0.01 पॉइंट। बच्चों ध्यान से याद रखिएगा, आप जल्दी से एक चीज बता रहा हूँ, एक वन डे का पॉइज, वन डे का पॉइज, वन डे का पॉइज इक्वल टू क्या होता है कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी से हम वन डे का पॉइज को कर सकते हैं डिफाइन। कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या बताइए, हो जाएगा वन न्यूटन मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं, वन न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर। तो ये होता है वन डे का पॉइज, है कि नहीं। जैसे कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी का यहाँ यूनिट देखिएगा तो न्यूटन हो गया, ये लेंथ मीटर है ना, और ये क्या हो जाएगा डिवाइड कर दे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर देंगे तो मीटर मीटर कैंसिल, तो न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर हो गया कि नहीं, ठीक है। चलिए तो ये होता है, सिर्फ आपको ये याद रखिएगा कि वन यदि डे का पॉइज से हम करते हैं डिफाइन। तो देखिए तो यहाँ पे क्या दिख रखा है, 0.01 पॉइज है, 0.01 पॉइज है, तो इसको हम डे का पॉइज में चेंज करेंगे ना तो ये आ जाएगा आपका 0.01 इनटू 10^-1, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन में, ठीक है। चलिए इक्वेशन एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0. कैलकुलेशन में बच्चों आप लोग कर लिए 0.1 इंटू 10^-1 इंटू 2 डिवाइड बाय वेलोसिटी, एरिया कितना है, एरिया देखिए, एरिया 2 मीटर स्क्वायर। इसको देखिए आंसर आप लोग कैलकुलेटर में आंसर टाइप बता रहा हूँ, 4 × 10^-3 न्यूटन आ गया, इतना अप्लाई हमको करना पड़ेगा, ठीक है ना, 10^-3 न्यूटन आ गया, ये हमें अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो आप हम ये टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, आपको कुछ डाउट है आप मुझसे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बच्चों मेरे अन अकेडमी का प्रोफाइल, वहाँ जाके मुझे फॉलो कीजिएगा, मैं 11th के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से रोटेशनल मैकेनिज्म, कैलोरीमेट्रिक, थर्मल प्रोपेज ऑफ मैटर और जितने भी थर्मोडायनेमिक्स सारे टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, वहाँ जाके फॉलो कीजिए फ्री लाइव क्लासेस से, वहाँ मुझे आके आप देखिए, ठीक है। थैंक यू बच्चों, मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, ठीक है।